नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की वेबसाइट पर अपडेट किया गया एक नया नोटिफिकेशन जो कि अभी हाल ही में अपडेट किया गया है। दोस्तों, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, नए मेहमानों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं यूपी प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर जो अपडेट है ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह यूपी प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है और जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है सबसे पहला बार यही दोस्तों अभी हाल ही में आया, लेकिन कुछ ही समय इसको हुआ है और मैंने तुरंत आप तक इसको पहुंचा दिया। दोस्तों, इसमें क्या है इसको खोल कर देख लेते हैं, यानी कि डाउनलोड करके देख लेते हैं आखिर सूचना किससे संबंधित है। तो जैसे कि आपको यहां पर पहले ही लिखा है कि दोस्तों, जिनका यहां पर 9 जनवरी 2019 एवं 10 जनवरी 2019 से प्रारंभ होने वाली डीबी और एवं पीएसटी की कार्रवाई में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में यह सूचना अपडेट की गई है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी। आप इसको बिल्कुल एक करके देख सकते हैं, कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक खुल जाती है। दोस्तों, देखिए इसमें यहाँ पर लिखा गया है सूचना में, जिनका यहाँ पर 9 जनवरी और 10 जनवरी को यहाँ पर जो डीबी और पीएचटी का होना है, वह उनमें जो पास हो जाते हैं उन विद्यार्थियों की जो शारीरिक दक्षता होनी है वह 11 से 13 जनवरी तक होनी है। और कहाँ पर होनी है, लखनऊ और मेरठ में होनी है, दोनों शहरों में संपन्न कराई जाएगी। कब? 11 से 13 जनवरी के मध्य में लखनऊ और मेरठ में यह कर जो फिजिकल होने वाला है आपकी, जो कि हाइट माइट नापी जाती या फिर उसके और शारीरिक दक्षता जो होती है, यह दो दिन में आपकी होगी, 11 से 13 जनवरी और लखनऊ मेरठ में होगी। तो दोस्तों, यह आपके लिए जानकारी बहुत ही जानना इसको ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों इसमें आप यदि पास हो जाते हो तो आपको लखनऊ के मेरठ दो जगह में से कहीं आपको जाना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर है कि उल्लेखनीय है कि पूर्व में शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर चुके अभ्यर्थी उप शारीरिक दक्षता के लिए सम्मिलित नहीं हो गए, जो पहले इनका जो शारीरिक दक्षता हो चुकी है वह दोबारा सम्मिलित यहाँ पर नहीं होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जिस अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, उन अभ्यर्थियों के नए प्रवेश पत्र दिनांक 10 जनवरी को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बोर्ड की वेबसाइट है जो यूपीपी, आप डालेंगे यूपी पुलिस डायर तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप 10 तारीख को अपने एडमिट कार्ड जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यह देखिए यहाँ पर इसका कंप्लीट हो जाते जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी, एकदम 100% बिल्कुल सही जानकारी है ये, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो, यदि ये जानकारी आपकी काम की हो या ना हो या आपके दोस्तों की काम की हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप अपने चैनल को शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।